हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं तनु। कई बार हमें अपने बालों में तेल भी लगाने का मन नहीं करता, ना ही हेयर पैक लगाने का मन करता है। अगर हम ये दोनों चीज़ें नहीं लगाएंगे तो हम अपने बालों को पोषण कैसे देंगे, कैसे अपने बालों को हेल्दी रखेंगे? अगर हम अपने बालों में ऑयल नहीं लगाते हैं, हेयर पैक नहीं लगाते हैं, तो उससे बाल हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने की वजह से बाल हमारे झड़ने लगते हैं, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, दो मुँहे बालों की समस्या हो जाती है, बाल बेजान हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ नहीं होता है। अगर आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं तो बालों को सही तरीके से पोषण देना भी ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं मन करता है कि हमें तेल भी नहीं लगाना, हेयर पैक भी नहीं लगाना, चाहे वो और भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो, घर से बाहर निकलना हो, तो जाहिर सी बात है हेयर पैक भी नहीं लगा पाते और ऑयल भी नहीं लगा पाते। लेकिन फ्रेंड्स, बालों को पोषण किस तरीके से दे सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा भी कई बार मन करता है कि मैं अपने बालों में ना तेल लगाऊं ना हेयर पैक लगाऊं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो जाहिर सी बात है कभी ठंड ज़्यादा होती है तो हेयर पैक भी नहीं लगाने का मन करता, हेयर वॉश भी करने का मन नहीं करता है। तो मैं अपने लिए एक टोनर बनाकर रखती हूँ अपने बालों के लिए। जैसे अगर हेयर ऑयल करने का मन नहीं करा और हेयर पैक भी लगाने का मन नहीं करा और धूप में बैठे हैं तो चलो हेयर टोनर ही लगा लो, थोड़ी देर में सूख जाता है और अपना बालों का जोड़ा बना लो या कोई भी हेयर स्टाइल कर लो, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। उससे क्या होता है, बालों को पोषण भी मिलता रहेगा और आपके बाल भी हेल्दी बने रहेंगे। मैं कौन सा टोनर यूज़ करती हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ घर की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो इजीली हमारे घर में होती भी है और जब भी मन चाह रहा है तो उसको फटाक फटाक बना लो और अपने बालों पे अप्लाई कर लो। लेकिन हम बाहर की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें बाज़ार जाना पड़ता है, चीज़ों को ख़रीदना पड़ता है, और वो चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप मेरी वाली रेमेडी को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपका भी कभी मन होता है तेल ना लगाने का, हेयर पैक नहीं लगाने का, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए हमें मेथी दाना। मेथी दाना बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, के, सी, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। मेथी में वो गुण हैं जो बालों की अच्छी ग्रोथ और ख़राब बालों को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेथी के दाने यूज़ करने से डैंड्रफ नहीं होता है, साथ ही साथ आपके बाल मजबूत होते हैं और जो बाल आपके गायब हो चुके होते हैं वो भी वापस आने लगते हैं। यानी कि पतले बालों को मोटा करने के लिए भी मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मेथी दाना हर किसी के घर में होता ही है, क्योंकि हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं इसका। तो मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्ग्रीडियंट है, तो आपको एक चम्मच मेथी दाना लेना है। दूसरा इन्ग्रीडियंट चाहिए कलौंजी। कलौंजी भी बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट है, ये भी हमारी सब्जी अचार के बनाने में काम आता है। कलौंजी इसलिए अच्छा है हमारे बालों के लिए, अगर आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बालों को काला बनाने के लिए, साथ ही साथ बालों को घना बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो हेयर फॉल को रोकने के लिए भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो आपको एक चम्मच मेथी दाना लेना है और एक चम्मच कलौंजी लेना है। आप एक कटोरी में निकाल लीजिए, उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है पानी। आप पानी इसमें ऐड कर दीजिए, लगभग आपको एक कप पानी इसमें ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। मेथी दाने की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमें इसको भिंगोकर रखना पड़ता है। तो आप एक रात इसको भिंगोकर रख दीजिए और नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे मेथी दाना काफ़ी फूल चुका होगा, पानी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। आपको इस तरीके का ही पानी चाहिए। अब आप इस पानी को किसी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए या किसी बाउल में निकाल लीजिए। मैंने स्प्रे बॉटल में इस पानी को डाल लिया है और ये जो मेथी दाना कलौंजी बचा है आप इसको फेंके नहीं, आप इसका हेयर पैक बना सकते हैं। आप इसको मिक्सी में डालकर पीस लीजिए दही के साथ और ये आपका हेयर पैक बनकर तैयार हो जाएगा। ये हेयर पैक आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हमें इस टोनर को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अगर मैंने जैसे
आपसे कहा कि अगर आपको तेल लगाना पसंद है या नहीं पसंद है। जिन लोगों को तेल लगाना पसंद है वो इसमें तेल ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो इसी तरीके से आप इस टोनर को स्प्रे कर लीजिए अपने स्कैल्प में। अगर आपने ऑयल लगा रखा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने ऑयल नहीं लगा रखा है तो भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए, फिर उसके बाद आपको अच्छे से मसाज करनी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो सके और ये जो रेमेडी आपने लगाई है वो अच्छे से सब में फैल भी जाए। तो आप इसको एक दो घंटे रखें अपने बालों में या फिर आप ओवरनाइट भी इस रेमेडी को रख सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम हो आप उस तरीके से इस रेमेडी को लगाए रखें। और उसके बाद आपको माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए।